नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आप तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में वाहनों का परिचालन ठप, मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी, यात्री परेशान। जमशेदपुर में नहीं थम रहा है चोरी का ग्राफ, दिन दहाड़े चोर दे रहे हैं घटनाओं को अंजाम। राजेंद्र विद्यालय के तुगलकी फरमान पर उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। और मंत्री सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कई खामियां हुई उजागर। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों से जिले के उपायुक्त अमित कुमार को अवगत कराया गया, जहां हजारों की संख्या में वाहन चालक मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित जिला मुख्यालय के समक्ष पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मिनी बस एसोसिएशन और स्कूली वाहन चालक संघ के सदस्य पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में शामिल हुए, जहां हजारों की संख्या में चालक मौजूद थे। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। धरना के संबंध में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विवश होकर हड़ताल पर जाना पड़ा है। उन लोगों के द्वारा पूर्व में भी जिला प्रशासन के साथ वार्ता करने का प्रयास किया गया, मगर वाहन चेकिंग के नाम पर यातायात पुलिस के द्वारा जबरन पैसे की वसूली वाहन चालकों से की जा रही थी, जिसकी शिकायत उन लोगों के द्वारा जिले के वरीय अधिकारियों को दी गई थी, जिस पर किसी तरह की पहल वरीय अधिकारियों के द्वारा नहीं करने से पूरे शहर में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां सभी वाहनों का चक्का रुकने से शहर की सड़कें वीरान हो गई है। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन के साथ बैठकर दूरियों को कम करने का प्रयास करने के लिए वे तैयार हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री रघुवर दास से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर मामले का निपटारा करने की गुहार लगाई जा रही है। प्रशासन इतनी बड़ी जमशेदपुर की जनता के साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहा है, जब हम लोग ये कह रहे हैं कि जिला प्रशासन हम लोगों के साथ बैठे और जिला प्रशासन और टेम्पू चालक के बीच में समन्वय स्थापित हो ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो, लेकिन जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी टेम्पू चालकों से अर्थ दोहन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी, जो इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों के बड़े भाई भी हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि तुरंत इस मामले में संवेदनशील होकर इस मामले का निपटारा करें और व्यवस्था को कायम करें। और वहीं जिला प्रशासन भी अब ऑटो चालकों पर कार्रवाई को लगातार जारी रखने के मूड में नजर आ रही है। जी हां, मंगलवार को इसे मुद्दे को लेकर राज्य के मंत्री सरयू राय ने जिले के उपायुक्त के साथ बैठक की तथा उनसे इस परेशानी के हल के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने की भी बातें कही। बता दें कि सोमवार से ही शहर के सभी ऑटो चालक, स्कूली वैन चालक तथा मिनी बस चालक हड़ताल पर चले गए थे और इससे खासा परेशानी आम लोगों को हो रही है। हालांकि पिछले दिनों एक ऑटो से बच्चे की गिरकर हुई मौत के बाद प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है और लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में मंत्री सरयू राय ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह इस मामले में सतर्क है और वो नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा ही होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब 3 माह पूर्व सभी चालकों को कागजात दुरुस्त करने का समय दिया गया था, तब से लेकर लगातार 3 माह तक किसी भी चालक ने कागजात दुरुस्त करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया और अब प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जिन चालकों के पास सही कागजात हैं वे अपना वाहन चलाए और इसमें प्रशासन उनका सहयोग करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को उन्होंने आदेश दिया है कि इस समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक समाधान की तलाश त्वरित रूप से करे और शहरवासियों को इससे निजात दिलाए। उन्होंने बताया कि 3 महीना पहले हमने 3 महीने का समय दिया था कि आप अपना कागजात दुरुस्त करा लीजिए। ये लोग कोई कागजात दुरुस्त करने के लिए आगे नहीं आते हैं। 3 महीने के भीतर इन लोगों का कोई प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल, एसोसिएशन कोई भी मिलकर कोई दरखास्त देकर, स्मारक पत्र देकर कुछ भी नहीं कहा है। ये लोग अचानक हड़ताल पर चल गए हैं। अगर इनकी ये मांग है कि नहीं हम टेम्पो पर ओवरलोडिंग करेंगे, या अगर इनकी ये मांग है कि हम बिना लाइसेंस के और परमिट के टेम्पो चलाएँगे, तो डीसी का कहना है कि ये कानूनन गलत है और हम इसकी इजाज़त नहीं दे।
तो जिसको भी टेम्पो चलाना है अगर उसके पास लाइसेंस है, परमिट है, तो चलाए, प्रशासन उसकी सुरक्षा देगी। ऑटो चालकों के संदर्भ में जो है वो बातचीत के क्रम में ये बातें आई हैं कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है जो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वो जो है वो आगे भी जारी रहेगा। इस तरह की जो गैर संवैधानिक तरीके से जो हड़ताल बुलाई गई ये कहीं से भी जनहित में नहीं है। मेरी अपील होगी कि सभी टेम्पो चालकों से कि वो अविलंब जो है वो हड़ताल को वापस लें और सही कागजात के साथ जो है वो यहाँ पर परिचालन सुनिश्चित। सर बार बार भाड़ा वृद्धि कर देते हैं मनमानी रूप से, इसके लिए भी जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? ये भाड़ा के संदर्भ में ऑलरेडी जो है वो परिवहन विभाग के द्वारा जो है वो आदेश जो है वो निर्गत है, उसको भी हम लोग सर्कुलेट कराएंगे। अगर उससे अधिक भाड़े जो है वो अगर वसूलते हैं तो उन पर भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और वहीं वाहन चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन यात्री एवं अभिभावक काफी परेशान नजर आए थे, जहां शहर की सड़कों से यात्री वाहन पूरी तरह से नदारद दिखे, जो इनकी हड़ताल को सफलतापूर्वक बयां कर रही थी। जमशेदपुर में यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध पैसे की वसूली के खिलाफ शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ, मिनी बस एसोसिएशन और स्कूली वाहन संचालक संघ के द्वारा संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई, जिसके दूसरे दिन शहर की सड़कें वीरान नजर आ रही थी, जहां यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस पड़ाव में हड़ताल के कारण यात्री घंटों इंतजार करते नजर आ रहे थे। वहीं संबंध में पटना से आई एक महिला एवं छात्राओं का कहना है कि हड़ताल की जानकारी नहीं होने के कारण वे अपने घर तक जाने का सफर कैसे करें या उन्हें समझ नहीं आ रहा है। दूरभाष के माध्यम से अपने लोगों को संपर्क कर बुलाया जा रहा है। हम तो आए 6 बजे गम्हरिया जाना पटना से, आने के बाद पता चला कि बस बंद है और क्या। परेशानी तो हो रहा है, गर्मी है, बीमार है, परेशानी होगा नहीं। सरकारी बस तो चला देते, कम से कम कोई बीमार आ रहा है बंदा सब तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की उपस्थिति काफी कम नजर आ रही थी, जहाँ ग्रेजुएट कॉलेज में हड़ताल के कारण सन्नाटा पसरा था। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने आई छात्राओं का कहना है कि ज्यादातर छात्राएं टेम्पो और बस के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज आती हैं, मगर स्ट्राइक के कारण छात्राओं के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से वे सभी कॉलेज नहीं आ पाई हैं। हड़ताल से छात्राएं भी प्रभावित हुई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन मामले का जल्द से जल्द निपटारा कर छात्राओं को हो रही परेशानी से निजात दिलाए। भाई के साथ स्कूटी से। छोटे बच्चों को स्कूल लेकर पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि हड़ताल के कारण उन्हें अपना काम छोड़कर बच्चों को घर तक पहुंचाने के लिए आना पड़ रहा है, जिससे उन सभी का काफी नुकसान हो रहा है। वाहन चालकों और जिला प्रशासन के बीच का विवाद का खामियाजा उन अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूल जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करे। समय तो रहते नहीं है, जॉब वाली भी बहुत सारी, मदर है, पापा है, बहुत सारे, बहुत प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। अभी तो यही है कि सबसे पहले बारिश का मौसम होते हुए बच्चे भीग जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि मतलब बहुत दिक्कत हो जा रहा है मैनेज करने में। सुबह में भी मतलब जॉब भी है सबका, बहुत ही दिक्कत है। अभी इसको लिए टैग और से अभी दूसरी बच्ची को लेने जाएंगे नर्वे राम से, दोनों बच्ची का प्रोजेक्ट है, वरना स्ट्राइक की वजह से बंद है। हड़ताल में गए वाहन चालकों और जिला प्रशासन के बीच के विवाद के कारण आम यात्रियों और स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को हो रही परेशानी से जिला प्रशासन कब निजात दिलाती है या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों की परेशानी बरकरार है। और वहीं जमशेदपुर में ऑटो चालकों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा भी जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके विरोध में ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी अपनी वाहनों को बंद कर दिया, जिसे टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों का हाल बेहाल दिखा। जमशेदपुर में लगातार बढ़े सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऑटो चालकों पर कमर कस लिया है। इधर ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया, जहां सोमवार से वे हड़ताल पर चले गए। इधर इनके हड़ताल पर जाने से शहर में लोगों का हाल बेहाल दिखा, खासकर टाटानगर स्टेशन के बाहर यात्रियों का, जहां ऑटो नहीं चलने से यात्री परेशान दिखे। परेशानी हो जाने से तो ऑटो नहीं मिल रहा है। कहां से आ रहे हैं आप? हावड़ा से आ रहे हैं। कहां जाना है आप? वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि अनजान बाइक चालकों द्वारा यात्रियों को बैठाकर अनाप शनाप पैसा वसूला जा रहा है, और आरोप उन सभी पर लगाया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेस लिखे वाहन पर भी मनमाने तरीके से यात्रियों को बैठाकर पैसा वसूला जा रहा है। वहीं इन सब बातों को लेकर ऑटो चालकों में आक्रोश देखा गया। हम लोग का समस्या है कि रोड में प्रशासन हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है। 4,500 रुपया है, 4,000-5,000 रुपया मतलब कि वसूला जा रहा है। रसीद 1,000 और 2,000 रुपया का दिया जा रहा है। बाहर बाहर से लोग स्टेशन में 2-व्हीलर और 4-व्हीलर लेके आते हैं और भाड़ा बैठाते हैं, भाड़ा बैठा के लोग लेके जाते हैं बदनाम स्टेशन के टेम्पो। यहाँ तक कि मारुति वैन में लिखा हुआ है दैनिक भास्कर बड़ा अक्षर में, उसमें बैठा के भाड़ा मारा जा रहा है। उसके बाद हम लोग रोकते हैं तो आप लोग के प्रेस वाले जो हैं पैर भी नहीं आते। और वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मांग पत्र के माध्यम से हड़ताली वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया के नेतृत्व में जिले के उपायुक्त एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर हड़ताली चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरेश सोनथालिया ने कहा कि स्कूली वाहन चालक की लापरवाही के कारण पिछले दिनों एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के नाम से घबराए वाहन चालकों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जिला प्रशासन इनकी मांगे मानती है तो शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान भी बंद हो जाना चाहिए। वहीं अभिभावकों एवं यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था अविलंब करे ताकि अभिभावक राहत की सांस ले सके। जिस तरह से मिनी बस और टेम्पो के द्वारा जो बच्चों को नहीं ढोया जा रहा है उसको लेकर कि कानून सबके लिए होना चाहिए था। हम लोग का मांग प्रशासन से यह है, आप जो हम लोग को हेलमेट चेकिंग का नाम पर 500 रुपये 1,000 रुपये जो फाइन कर रहा है वो भी बंद कर दीजिए। जो सीट बेल्ट नहीं करने के लिए आप फाइन कर रहे हैं वो भी हम लोग का बंद कर दीजिए। क्योंकि जब टेम्पो चालकों को आप रियायत दे सकते हैं तो हम लोग को भी आप उससे मुक्त कीजिए, क्योंकि कानून एक होना चाहिए। अब आप देखिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसको लेके लोग परेशान कर रहे हैं। आज जब मन में आया था वो लोग हड़ताल कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। गलत किया है ना भाई, पैसेंजर बच्चा को रोड में छोड़ कर भाग जाता है। बोलिए ठीक है, पिछले दिन एक बच्चा का मृत्यु हो गया, ये कहाँ से जस्टिफाई है भाई? हम एक अभिभावक है, हम एक पिता है, हम कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? और यहाँ आपको बताते चले कि मानगो बस्ती विकास समिति के द्वारा पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन कर हड़ताली चालकों से हड़ताल वापस लेकर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। सभी वाहन चालकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा से नाराज होकर मानगो बस्ती विकास समिति के द्वारा मानगो चौक के समीप राज्य के पूर्व मंत्री सह शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के संरक्षक बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष शंभू चौधरी ने कहा कि पूरे शहर में वाहन परिचालन ठप होने से यात्रियों एवं अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां लोग अपनी राजनीति के कारण पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को ठप कर दिए हैं। उन्होंने कहा इस पुतला दहन के माध्यम से सभी वाहन चालकों से जल्द हड़ताल वापस लेने की मांग की जा रही है। उन्होंने मानगो बस्ती विकास समिति और मानगो की जनता के द्वारा मानगो गोल चक्र पर इस क्षेत्र के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का पुतला दहन किया गया है। इसलिए किया गया है कि उन्होंने यहाँ के तमाम टेम्पो चालक को उन लोगों को बरगला कर सभी को स्ट्राइक पर ला दिया गया है, जिसके पूरी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे को स्कूल जाने में कठिनाइयाँ हो रही है, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सभी स्कूली बच्चे के लाइफ के साथ ऐसे एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र का विधायक रहा है, मंत्री रहा है राज्य का, उस व्यक्ति के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है कि इस शहर में टेम्पुओं की स्ट्राइक की गई है कि भाई इस शहर में ओवरलोडिंग चले, टेम्पू वाले बिना पेपर के चले, जिला प्रशासन पुलिस वाले उनको न पकड़े, ये कहाँ का न्याय है। और इधर जमशेदपुर में चोरों ने अब चोरी का नया तरीका अख्तियार कर लिया है। जी हाँ, दीन दहाड़े चोर घर में प्रवेश कर घर पर मौजूद लोगों को बर्तन व गहना साफ करने का झांसा देकर चोरी की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं। जी हाँ, ताजा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र का है। व्यवसायी विनोद सिंह के बागबेड़ा रोड नंबर 4 स्थित आवास में 2 अज्ञात अपराधी मंगलवार को सुबह 10 बजे पहुंचे। घर पर महिलाओं को अकेला पाकर उनसे पित्तल के बर्तन व गहने साफ करने के बहाने से उनके गहने को लेकर रफू चक्कर हो गए। जब तक महिला को समझ आता तब तक वे बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित महिला चीखते चिल्लाते रही पर अपराधी 2 लाख रुपए के जेवरात लेकर चलते बने। वहीं पीड़ित महिला ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इतनी सफाई से उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया कि पता ही नहीं चल पाया।
पतंजलि का ऐड करने आया था, बोला कि हम लोग पतंजलि का सामान आप यूज़ करते हैं, हम बोले कि नहीं हम यूज़ नहीं करते हैं, तो बोला कि हम लोग शीतल का सामान साफ करते हैं, अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए, तो हम छोटा सा लोटा था हम दिए साफ करने के लिए, साफ कर दिया ठीक है, उसके बाद बोला कि इससे चांदी का भी बर्तन साफ होता है, तो हम पायल निकाल के दिए, पायल हमको साफ करके दे दिया, फिर बोला कि इसमें हल्दी डाल दीजिएगा तो सोना का भी बर्तन, सोना का जो भी गहना है साफ हो जाएगा, हम मंगलसूत्र निकाल के दिए साफ करने के लिए और चेन दिए, वो साफ करके मेरे हाथ में दिया ठीक, देने के बाद से फिर बोला कि लाइए इसको पोंछ के पानी में डाल देते हैं, ऐसे लेकर के पोंछने लगा, पोंछ के और पता नहीं उसको अंदर कर दिया और अंदर वाला जो खाली उसका पॉलिथीन था वो बाहर करके और हमको पकड़ा दिया और चला गया, उसके बाद हमको शक हुआ, हम पॉलिथीन जैसे अभी यहीं पे था, जैसे ही हम पॉलिथीन फाड़ के देख ही रहे हैं उसमें नहीं है और चिल्ला के जा ही रहे तब तक वो लोग भाग गए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। थर्टी स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक, दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन, अ मल्टी स्पेशलिटी लेजर डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ सिटी एट भालूभासा ब्रिज जमशेदपुर, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान, 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है, ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिलें डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL Tower, ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड कदमा। आर मेन ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, जमुटार, भालूभासा, जमशेदपुर। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। अब पावर का सुपर पावर ऑफर दैनिक भास्कर के साथ। दैनिक भास्कर अखबार में छपे फॉर्मेट में चिपकाएं 1 किलो के 3 पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो न छूटने दे मौका। आज की 3 खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाए ढेर सारे इनाम। तो करते रहे सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहे दैनिक भास्कर और जीतते रहे हीरो इनाम। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770।
आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ जमा करें, दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, तीसरा तल्ला, मेन रोड, घाटशिला, जमशेदपुर दैनिक भास्कर कार्यालय, चौथा तल्ला, 7SP शॉप एरिया, क्यू रोड, विष्णुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934060673 8340605519। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। TEPL क्रिएटिंग लाइफस्टाइल, कई बीघा जमीन, कई प्रोजेक्ट्स, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला शहर के कासिदा में बिल्डर दत्ता रेसिडेंसी लेकर आए हैं आपके सपनों का घर किफायती दरों पर, साथ ही 10 दिनों के विशेष ऑफर के साथ। जी हाँ, 15 लाख वाले 1BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 8 लाख रुपए में, 22 लाख वाले 2BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 12 लाख रुपए में, और 3BHK फ्लैट 35 लाख वाले जिसे आप पा सकते हैं मात्र 20 लाख रुपए में। साथ में स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर, मैरिज हॉल, बॉय गर्ल्स क्लब, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी विद CCTV आदि सुविधाओं सहित दत्ता रेसिडेंसी घाटशिला। अपनी जमीन, अपना घर। बुकिंग कीजिए अपना खुद का घर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7004818809334463106। साइट एड्रेस NS 33, कासिदा, नियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, POPS घाटशिला, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम, झारखंड 832303। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार के मंत्री सरयू राय ने मंगलवार को MGM अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, साथ ही यहां व्याप्त समस्याओं को लेकर अस्पताल के अधीक्षक से भी वार्ता की। वहीं मंत्री ने अस्पताल में निरीक्षण कर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जांच की। वैसे पिछले दिनों अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा किए गए हड़ताल के मामले में मंत्री अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अस्पताल में घूम घूम कर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जाँच की, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अस्पताल और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच जो कारनामा है उसके तहत इस तरह का कोई भी हड़ताल नहीं होना चाहिए जिससे कि मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, जबकि पिछले दिनों हड़ताल से मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल का कहना है कि इनका काफ़ी बकाया हो गया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है।
वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले का स्वयं जिले के उपायुक्त जांच कर रहे हैं और जांच के बाद उनके द्वारा रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी और जरूरत पड़ने पर ठेकेदार को बदल दिया जाएगा। यहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, कारण जो भी हो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो भी करना है, जो उनका एम्प्लॉयर है नियोजक है उसके साथ करना है। इनका कहना है कि काफ़ी बकाया है इनका, दो तीन एजेंसियाँ काम करती हैं, तो बकाया सरकार से लेने का काम जो आउटसोर्सिंग एजेंसी वाला है उसका है और अपने कर्मचारियों को वेतन देने का काम उसका है। अब सरकार उसको पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है ये कहीं बीच में नहीं आता है। हमने बात किया यहाँ स्वास्थ्य सचिव से भी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई प्रस्ताव भेजा है और उसमें भेजा है कि हमारा इतना स्ट्रेंथ कर दीजिए तो हम नया टेंडर करेंगे, नया टेंडर करके नई एजेंसी बहाल करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना स्थित राजेंद्र विद्यालय में मेहंदी लगाकर आई 90 छात्राओं को स्कूल प्रबंधन द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। इस फरमान से स्कूली बच्चों के अभिभावक काफी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है निजी स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है। इस मामले पर शहर के उपायुक्त अमित कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया और स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को जांच कर दोषी स्कूल प्रबंधन के अधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी छात्राओं के सस्पेंशन ऑर्डर को वापस लेने का स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने शहर के तमाम निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है कि उनके द्वारा बच्चों पर किसी तरह की मनमानी नहीं की जानी चाहिए। ये मामला जो है वो अभी प्रशासन के संज्ञान में आया है। इस पर तत्क्षण कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को इसके जांच के निर्देश दिए गए हैं और ये मामला प्रथम दृष्टया जो है वो विद्यालय की तरफ से घोर लापरवाही का दिखाया जा रहा है, तो इस पर संज्ञान लिया है प्रशासन ने। आगे जो भी दोषी स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी होंगे उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे सर क्या इस तरह का नहीं, निजी विद्यालय जो है वो भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करें, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसके अनुसार से जो है वो, ये कहीं से भी अनुशासनहीनता का विषय नहीं है। ये पर्व त्यौहार मनाने के अपने तरीके हैं और इसके माध्यम से हमें लगता है कि इस जो हमारी समावेशी संस्कृति है इसको समझना चाहिए और ये जो स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है ये बिल्कुल गलत है। और बात करें सरायकेला की तो सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के खरकई पुल के पास स्थित बस्ती में रहने वाले 50 वर्षीय कृष्णा महाली की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक दो दिन पूर्व ही रक्षाबंधन के मौके पर जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र स्थित नील डूंगरी में अपने ससुराल में पत्नी से मिलने गया था। वहीं कृष्णा की बहनों का कहना है कि ससुराल में इनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। कृष्णा महाली की ये दूसरी पत्नी थी। वे लोग चाहते हैं कि उचित जांच कर आरोपियों को सजा मिले। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक के शरीर के हर अंगों में जख्म के निशान हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिर कैसे हुआ इलाज? मरने वाले को रोक नहीं पाए। कैसे मरा? पेट भी दर्द दे रहा था, खींच रहा था ऊपर से। अच्छा, चोट है तो उसका पूरा शरीर में? इसका घर यहीं पर है और इसका ससुराल है जगन्नाथपुर मिल्डी में है, तो इन लोगों का कहना है कि ससुराल अपनी पत्नी को लाने गया था वहीं पर है, सो इसके साथ कुछ गलत हुआ जिसमें इसमें मृत्यु हो गई। यहाँ पर शव को उसका पत्नी और उसके साला द्वार लाकर पहुँचाया गया, तो इसी संबंध में इन लोगों का कहना है कि इसकी हत्या हुई है। जबकि उसकी पत्नी से तत्काल पूछने पर वो बता रही है कि बीमारी के कारण मर गया था, तो उसके डेड बॉडी को लेकर यहाँ आया है। ये जांच का विषय है, जांच के बाद चोट का निशान शरीर पर पाया गया है। अभी तक स्पष्ट बाहर से तो कोई निशान नहीं पाया, अंदरूनी कोई चोट होगा तो ये जांच के बाद ही स्पष्ट। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक मालवाहक वाहन से अपराधियों द्वारा लूट के मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को धर दबोचा है। दोनों ही अपराधी बिरसानगर क्षेत्र के निवासी हैं और पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल तथा लूटे गए कागजात भी बरामद कर लिए हैं। इसकी जानकारी सिटी डीएसपी ने एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि बिरसानगर जोन नंबर 1 में फ्रेश पाइट बेकरी नामक दुकान के बाहर एक मालवाहक वाहन खड़ा था और वहां अचानक दो बाइक सवार अपराधी पहुंचे और वाहन तोड़कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने उसी क्षेत्र के निवासी मुकेश कुमार गिरी तथा गौतम कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही इनके पास से एक मोटरसाइकिल तथा लूटे गए कागजात बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया है। बिरसानगर थाना अंतर्गत क्षेत्र में परसों एक घटना घटित हुई थी, जिसमें फ्रेश बेकरी है टेल्को में, उसका मालवाहक टेम्पू है, वो माल पहुंचा के बिरसानगर थाना क्षेत्र में, उसका ड्राइवर गाड़ी लेके लौट रहा था टेम्पू, तो रास्ते में उससे दो लड़कों का झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और वो लड़के जो हैं उससे 38,000 रुपया उसके टेम्पू से और उसके गाड़ी का कागज़ को लेके भाग गए थे, जिस संबंध में बिरसानगर थाना में कांड दर्ज किया गया था और बिरसानगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और 24 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है और बाइक बरामद हुई है तथा टेम्पू के जो कागज है वो भी बरामद कर लिए गए। और यहाँ आपको बताते चलेंगे, जमशेदपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा आरएसएस तथा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाए जाने के खिलाफ भाजपा आगे आ गई है। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि यह मामला बिल्कुल ही झूठा है और इस मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खां पर पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में मामला दायर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता उनकी आवाज के बाहर गए थे और बाहर में ही सड़क पर चंद सेकेंड नारेबाजी के बाद वहां से चले गए और ये सारा दृश्य कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर के सीसीटीवी फुटेज में ही उपलब्ध है और इसे भाजपा ने जिला प्रशासन को सौंप दिया है, जबकि विजय खां ने ये फुटेज पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया। इन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला अध्यक्ष ने अपने मां को, अपनी वाइफ को आगे रखकर जिस प्रकार थाने में एफआईआर कराया है, स्पष्ट रूप से सीसीटीवी फुटेज जो उनके घर से हम लोगों ने प्राप्त किया है, उस सीसीटीवी फुटेज यह स्पष्ट करता है कि किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। 58 सेकंड कार्यकर्ता उनके घर के सामने खड़े रहे हैं, उन लोगों ने नारेबाजी की और वापस अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चले गए। प्रशासन को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया है। जिला प्रशासन ने विजय खान से फुटेज मंगा था, विजय खान ने फुटेज उपलब्ध नहीं कराया। आईटी सेल के तहत में पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर एफआईआर होना चाहिए। साथ साथ जिस प्रकार झूठा आरोप लगाया, जो उन्होंने कहा है कि 58,000 का उनका चैन छीन लिया, स्पष्ट रूप से अपने यहाँ का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जिसमें 58,000 का चैन छीनते हुए कोई भी कार्यकर्ता दिखता है, तो हम सभी लोग स्वीकार करेंगे। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती। जी हाँ, ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के कंप्यूटर साइंस के प्रथम वर्ष के छात्र सौंदर्य कुमार प्रधान ने। सौंदर्य कुमार प्रधान कोई सामान्य छात्र नहीं, यह छात्र जन्म से ही नेत्रहीन है, लेकिन यह विलक्षण प्रतिभा का भी धनी है और यह इसने साबित भी कर दिखाया है। पोलैंड में आयोजित नेत्रहीनों के शतरंज विश्व चैंपियनशिप में इस छात्र ने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत के लिए पहला नेत्रहीन चैंपियन है जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। वहीं छात्र के इस उपलब्धि पर एनआईटी कॉलेज प्रबंधन काफी खुश है और छात्र के प्रतिभा का कायल भी है। मूल रूप से ओडिशा के बरग्रह जिले का रहने वाला सौंदर्य अपने छठी इंद्री का काफी संजीदगी से प्रयोग करता है और लैपटॉप से लेकर मोबाइल तक काफी तेज गति से संचालित करता है। पूर्णतः नेत्रहीन सौंदर्य ने मैट्रिक की परीक्षा में 86% और इंटर में 83% अंक हासिल किया है, जबकि इस वर्ष ही सौंदर्य ने जेईई मेन्स की परीक्षा पास कर एनआईटी में दाखिला लिया है। बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर बनना चाहता हूँ, चेस ग्रैंड मास्टर बनना चाहता हूँ और आई वॉन्ट टू बी ए गुड कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑल्सो एंड डेफिनेटली माई फाइनल एम इज टू बिकम ए सुपर ग्रैंड मास्टर, द फर्स्ट ब्लाइंड सुपर ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई वॉन्ट टू बिकम इन चेस। डेफिनेटली जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, एवरी वन हैज द सेम प्रॉब्लम दैट वी डोंट हैव अवेयरनेस। हमें ये पता नहीं था कि हम लोग कंप्यूटर को और मोबाइल को यूज कर सकते, ये सॉफ्टवेयर है। काफ़ी बड़े होने के बाद हमें मुझे पता चला, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 5-6 आई गॉट टू नो दैट आई कैन यूज माय लैपटॉप एंड देन मी एंड माय ब्रदर बोथ ऑफ अस स्टार्टेड एक्सेलिंग। हम दोनों का बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। संदेश कुमार प्रधान, इन्होंने 10th वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप है शतरंज के लिए, इन्होंने पोलैंड में जस्ट 25 तारीख को यहाँ से जीत गए हैं और इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई भी ब्लाइंड पर्सनालिटी इंडिया का द हाईएस्ट ऑनर जो सेकंड जो सिल्वर मेडल जीता हो ब्लाइंड में चैंपियनशिप के लिए।
सो इनका जैसे इंडिया का ये दैट इज द फर्स्ट एस्टिमेट कि इसके पहले किस ईयर में ये हुए थे 2013 में ब्रॉन्ज मेडल आया था लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार आया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर की नो एंट्री में घुसे अनियंत्रित ट्रेलर ने कई खंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं ट्रेलर की रफ्तार से पूरे आजाद नगर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पार्डी से आजाद नगर वाले मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार ट्रेलर का कहर देखने को मिला, जहां नो एंट्री के कारण चालक को पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था, मगर चालक द्वारा पुलिस को देखकर गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने के क्रम में सड़क किनारे गड़े कई खंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अंततः चालक को पुलिस ने रोड नंबर 17 के पास से गिरफ्तार कर वाहन को जब्त कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आजाद नगर थाने के ASI सूर्यकांत कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक है, जिसके बावजूद ट्रेलर चालक के द्वारा जबरन बड़े वाहन को प्रवेश करवाया जा रहा था, जिसे रोकने के प्रयास में सड़क किनारे कई सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या बोल रहे हैं? कितने कितने खंभे पर ट्रेलर हुआ है? आगे कहाँ से घुसा ये गाड़ी? पार्टी चौक से। अच्छा, फिर हम लोग कोशिश किए उसको रोकने का। ड्राइवर जो है जो बोला तबीयत खराब है और धीरे धीरे वो बैक करने की कोशिश किया, नहीं बैक हुआ, बस बढ़ते रहे। तब हम लोग पीछा करते हुए यहाँ तक आए कि तुम गाड़ी आगे क्यों बढ़ा रहे हो? क्या भागने का प्रयास कर रहा था गाड़ी? ना ना, भागने का प्रयास नहीं, कोशिश किया कि हम आगे से घुमा लें। और ये बोल रहा है ड्राइवर कि मेरा तबीयत खराब है, अब इस वजह से वो बोल रहा है गाड़ी खराब है। इसका ब्रेक किया नहीं है। कितना पोल में मारा है? दो पोल मारा है, दो आगे है और सामने देख ही रहे। कुछ बड़ा घटना भी हो सकता था जिस तरह पोल को उड़ाया है या भागने में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। कोशिश किया कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ करके कहीं से घुमा लें। दो पोल उड़ाया है ना? दो पोल मतलब। और यहां आपको बताते चलेंगे कुल्हान स्तरीय भाजपा की बैठक आगामी 30 अगस्त को जमशेदपुर में होने जा रही है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, कुल्हान क्षेत्र के सभी मंत्री, विधायक, सांसद तथा पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता तथा नेतागण भी शामिल होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। अगले वर्ष यानी 2019 में लोकसभा तथा झारखंड विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने तथा पार्टी के द्वारा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन को लेकर इसका आयोजन प्रत्येक मंडल स्तर पर किया जा रहा है। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर कोल्हान स्तर के सभी मंत्री, विधायक, सांसद तथा कार्यकर्ता व नेतागण शामिल होंगे और सभी की जिम्मेवारी यहाँ आगामी चुनाव के मद्देनजर तय की जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी कोल्हान प्रमंडल के द्वारा 30 अगस्त को सोन मंडप में विधानसभा स्तरीय कोल्हान प्रमंडल की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री लक्ष्मण गिलवा जी, पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, अपने प्रदेश के मंत्री आदरणीय सरयू राय जी, कोल्हान में निवास करने वाले दोनों सांसद, सभी विधायक, पार्टी के सभी जिला के प्रभारी, विधानसभा स्तरीय कोर कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी विस्तारकगण और लोकसभा के प्रभारी, ऐसे तमाम बड़े नेतागण उस बैठक में भाग लेने वाले हैं। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती
इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम है तैयार, किसी भी वक्त हर हाल, जिनकी सेवा भावना में छुपी है मरीजों की भरपूर सुरक्षा और समुचित देखभाल, जहां की अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली है और उसे कहीं बेहतर, सभी प्रकार के स्त्री रोगों, बांझपन एवं मातृत्व संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम इलाज, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति आईवीएफ सेंटर। अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोसिस सिस्टम विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन कोल्हान, फुली इक्विप्ड विद पेडियाट्रिक नर्सरी एंड पीआईसीयू, वेल फैसिलिटेटेड ओटी विद एक्सपीरियंस्ड नर्सेस, बेडसाइड एक्सरे, 2D इको एंड अल्ट्रासाउंड, ENT सर्जिकल डिपार्टमेंट और जमशेदपुर का पहला निजी न्यूनेटल सर्जिकल डिपार्टमेंट। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी, क्विक डिसीजन, फास्ट एक्शन एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट, सर्विसेज फॉर द थैलेसीमिया पेशेंट्स, वेल फैसिलिटेटेड एंड हाइजीनिक लेबर रूम्स, ओपीडी एंड जनरल वार्ड्स, नर्सरी एंड वेंटिलेटर्स, गर्भस्थ शिशु का नियमित चेकअप हो या बंध्याकरण, बच्चों के लिए आपातकालीन सेवाएं हो या फिर टीकाकरण, एंश्योर्स द बेस्ट हेल्थ केयर फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमन एंड चाइल्ड, राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस फैसिलिटी और सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं विद एक्सट्रीम लव एंड केयर, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति आईवीएफ सेंटर, चंद्रा सेंटर नियर होटल सागर, कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर, फोन 0657-223-4001, 2234-040, 8651-004-000। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक, पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर, फोन 0657-243-8616, 983-555-1212, 943-111-3166, प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था, श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिरकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी कैसे गेसिलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो सफल पाई नहीं, जब थे महादेव बाबू कैसे गेसि तब थे अनेक सफल लाभ इस मेरे लिए ছেলে চাকরি সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক, উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সফল হয়েছে।
मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874826809430 9430715730 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खां के आवास पर आरएसएस और हिंदू संगठनों के द्वारा किए गए हमला को लेकर सभी विपक्षी दल के द्वारा 30 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में विपक्षी दलों के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा सहित कई विपक्षी दल के नेता मौजूद थे। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए विपक्षी दल के जिला अध्यक्षों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जिसका जवाब जनता मांग रही है। जिसे देखते हुए जनता का ध्यान भटकाने के लिए पार्टी के लोग आरएसएस और विभिन्न हिंदू संगठनों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। घटना में शामिल सभी हिंदू संगठन के नेताओं पर पूर्व में सांप्रदायिक दंगा भड़काने के कई मामले दर्ज हैं, मगर आज भी वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी विपक्षी दलों के द्वारा 30 अगस्त को विशाल प्रदर्शन जिला मुख्यालय के समक्ष कर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान कर रहे हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में सभी विपक्षी दल के जिला अध्यक्षों ने कहा कि वे स्वयं सनातन धर्म को मानने वाले जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, फिर आरएसएस के लोग किस हिंदू संगठन के अपमान की बात कर रहे हैं। यह विचारों की लड़ाई है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है, वैसे लोगों को हिंदू संगठन के नाम पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का काम वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध कर वे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले भी हम लोग परसों रोज कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे आवास पे, पैतृक आवास पे और हमारे आवासीय कार्यालय पे, दोनों जगह इन लोगों ने हल्ला बवाल, उपद्रव मचाया। हम लोगों ने इसकी तुरंत अविलंब शिकायत सीनियर एसपी साहब से की और सभी दलों के लोग हम लोग मिल के गए सीनियर एसपी से बोले। उसी दिन सिद्धगोड़ा थाना में हमने नामजद जो लोग सीसीटीवी फुटेज में आए और जिनका भी नाम आया, अगल बगल के हमारे पड़ोसियों के द्वारा जब पहचान की गई तो हमने बाय नेम्ड सिद्धगोड़ा थाना में एफआईआर लॉन्च किया। झारखंड की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब खुल चुका है, सच्चाई सामने आ चुका है, जिसलिए आज वो अपना गलती को छुपाने के लिए या इस तरह कहीं पर विभिन्न जगह में इस तरह का जो सांप्रदायिकता फैलाना, शहर में हिंदू मुस्लिम का नाम से सांप्रदायिकता फैलाना, गांव में वहाँ पर आदिवासी मूलवासी के नाम पर इस तरह सांप्रदायिकता फैलाने का जो षड्यंत्र है, और इस तरह करके ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में बिजली की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर एक मांग पत्र सौंपा गया। बिष्टुपुर स्थित जिला मुख्यालय में राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत आम आदमी पार्टी के द्वारा मांग पत्र जिले के उपायुक्त अमित कुमार को सौंपा गया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक दिनेश महतो ने कहा कि पूरे जिले में बिजली की लचर व्यवस्था के कारण आम लोग काफी परेशान हैं, जहां जर्जर तार की मरम्मतीकरण और खराब पड़े ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने की मांग इस प्रदर्शन के माध्यम से उन लोगों के द्वारा की जा रही है। यह प्रदर्शन पूरे राज्य में आम आदमी पार्टी के द्वारा बिजली की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की जा रही है। झारखंड में जो बिजली का व्यवस्था है, मतलब पूरा चरम सीमा में, मतलब बिजली का व्यवस्था पूरा खराब है, जो कि बिजली का बिल भी जो कि अनियमितता की तरह उपभोक्ता को वितरण किया जा रहा, तो उसको बिजली बिल का जो सुधार के लिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं। पूरा प्रदेश में आज हम लोग जिला कार्यालय में हम लोग बिजली का खिलाफ
प्रदर्शन हो रहा, तो इसीलिए आज हम लोग आम आदमी पार्टी के तरफ से हम लोग डीसी महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि झारखंड में जो भी ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में जो भी पोल पुल खराब है उसको रिपेयरिंग तुरंत किया जाए, ट्रांसफार्मर के लिए 24 घंटा के अंदर उसको सर्विसिंग में ग्रामीणों को दिया जाए। जो कि बहुत सारे ग्रामीणों का कंप्लेन आता है कि हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन उन लोग आवेदन देने के बावजूद भी अभियंता को लेकिन उन लोग का कुछ कार्रवाई नहीं करता है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में बिल्डी चर्च स्कूल के द्वारा महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर से छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने छात्राओं के दिमाग में पनप रहे कई सवालों का जवाब दिया। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल परिसर में इंटरेक्ट क्लब के द्वारा एक दिवसीय कैंसर जागरूकता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्राओं को महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के संबंध में ब्रह्मानंद अस्पताल से आए चिकित्सकों ने जानकारी दी। इस संबंध में स्कूल की प्राचार्य एल पीटरसन ने कहा कि स्कूल के द्वारा छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियां इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया जाता है। कुछ जानकारियों को छात्राओं के परिवार के लोग किसी कारणवश नहीं दे पाते, जिसे उन लोगों के द्वारा कार्यशाला के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें छात्राएं मौजूद चिकित्सकों से कई सवाल कर रही हैं, जिससे उनका ज्ञान और बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स स्पेशली के लिए है, फ्रॉम ऑफ क्लासेस 9, 10, 11, 12, ग्रोइंग गर्ल्स, अवेयरनेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। और ये जो दोनों कैंसर्स जो है वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर गर्ल्स टू नो, टू हैव एन अवेयरनेस कि प्रिवेंशन कैसे किया जाता और व्हाट आर द फैक्टर्स क्या है जो इन्वॉल्व होता है कैंसर में। ये दो कैंसर्स, ड्रेडफुल कैंसर और जो बहुत ही कॉमन है, ये स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से माने लोग को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के जुगसलाई महतोपाड़ा रोड स्थित श्री बैकुंठ धाम मंदिर परिसर में श्रीमन नारायण जी के कीर्तन समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण आम लोगों के बीच किया गया, जहाँ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रत्येक वर्ष सावन माह के प्रारंभ होते ही पूर्णिमा के दिन तक श्री बैकुंठ धाम मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी के द्वारा रोजाना रात को श्रीमन नारायण जी के कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी मंदिर परिसर में श्रीमन नारायण जी के कीर्तन का आयोजन धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहां मंदिर परिसर में कीर्तन के समापन के बाद प्रसाद का वितरण ब्राह्मणों के बीच व आम लोगों के बीच किया गया, जहां आसपास के लोग मंदिर परिसर में एकजुट होकर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। वहीं आयोजककर्ता ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस पूजन कार्यक्रम में केवल मंदिर के पदाधिकारी ही नहीं आसपास के लोग भी एकत्रित होते हैं। श्रावण का जो पूर्णिमा स्टार्ट होता है उससे लेके लास्ट पूर्णिमा तक एक माना भगवान का कीर्तन होता है, श्रीमन नारायण का पाठ होता है डेली रात को 8:30 से 10:30 तक, तो प्रसाद बढ़ता है, आरती होती है, उसके बाद एक माना बाद ये भगवान का प्रसाद मैंने भोग बनता है सब, इसमें 21 ब्राह्मण चाहे 25 ब्राह्मण जो भी आ जाए और बाकी मोहल्ला वाले 100-200 प्रसाद, ये हर साल का नियम है। और इधर सरायकेला थाना अंतर्गत बिरबास गांव में डायन प्रताड़ना के लगाए गए आरोप के दर्ज मामले में पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले के 4 अन्य नामजद अभियुक्त अभी भी फरार हैं। सोमवार को अलोका देवी द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत की गई थी, जिसमें उनके पति के 4 भतीजों व अन्य लोगों पर डायन कहकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इस घटना में उनके पति हरि नारायण कुमकार का सर भी चोटिल हो गया था। हालांकि जिन पर यह आरोप लगाया गया है उस पक्ष का भी एक व्यक्ति दिगंबर कुमकार के सर पर भी चोट लगी है, उसने इसे डायन प्रताड़ना का मामला होने से इनकार किया है। उसने बताया कि उनके चाचा हरिनारायण कुमकार के पास पैसा बकाया था, इस पैसे के मांग के दौरान विवाद हुआ और दोनों ओर से मारपीट हुई। उसको डायन में कुछ नहीं बोला था। तो क्या घटना घटी, मारपीट कैसे हुआ? मारपीट उसका घर गया था, वो पैसा पहुंचाने बस। हाँ, मेरा बहन को पैसा 50 रुपया देगा, हम तो पचास रुपया आज पैसा मिलेगा, वो उसके पास 5,000 रुपया मिलेगा, तो बोलता उसी बोले बोल के आएगा तो मार दिया। वादिनी जो है आलोका देवी है, इनको और इनके हस्बैंड के साथ डायन मिशाइन कह करके इनके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करते हुए और छापामारी की गई, जिसमें से प्राथमिकी अभियुक्त पीताम्बर कुंभकार को और नीलाम्बर कुंभकार को गिरफ्तार किया गया है। अन्य इसमें और अभियुक्त हैं जिनकी छापामारी हो रही है और गिरफ्तारी का संभव प्रयास किया जा रहा है। हाँ, दोनों पक्षों के बीच चोट लगी है, दोनों का इलाज कराया गया है और
जो गिरफ्तार हुए हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और उधर जमशेदपुर में आज संस्था के द्वारा स्वर्गीय मुकेश की पुण्यतिथि के अवसर पर एक शाम पुराने गीतों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के कलाकारों ने समा बांधा। सोमवार को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में संस्था के द्वारा स्वर्गीय मुकेश की 95वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के कलाकारों के द्वारा उनके गाए हुए गानों को प्रस्तुत कर मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया गया, जहां शहर के कई गणमान्य लोग पुराने गानों का आनंद उठाने के लिए मौजूद थे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में वाहनों का परिचालन ठप, मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी, यात्री परेशान। जमशेदपुर में नहीं थम रहा है चोरी का ग्राफ, दिन दहाड़े चोर दे रहे हैं घटनाओं को अंजाम। राजेंद्र विद्यालय के तुगलकी फरमान पर उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। और मंत्री सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कई खामियां हुई उजागर। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।